मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को सीताराम। भविष्य पुराण की 5 अचूक भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण में भविष्य और वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणियां और घटनाओं का वर्णन है। हिंदू पुराणों में कलयुग के वर्णन के साथ ही वर्तमान युग के बारे में भी विस्तार से मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। भविष्य पुराण 4 प्रमुख पर्वों ब्रह्मा, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर में विभाजित है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के 3 तथा 4 खंड में इतिहास की जानकारी दी गई है। भविष्य पुराण में भारत के राजवंशों और भारत पर शासन करने वाले विदेशियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 1. ईसा मसीह का उल्लेख। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिसे आधुनिक रिसर्च के बाद प्रमाणित भी किया जा चुका है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 2 के श्लोक में ऐसा ही उल्लेख है, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्यारत रहने का वर्णन है। उस समय उत्तरी भारत में शालिवाहन का शासन था। एक दिन वे हिमालय गए, जहां लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक गौरवर्ण दिव्य पुरुष को ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। समीप जाकर उन्होंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है। कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। विदेश से आया हूँ, जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है। उन आस्थाहीनों के बीच मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भविष्य पुराण अध्याय 2 में कहा गया है, म्लेच्छदेश मसीहोह समागत, ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम्। 2. वर्तमान कलयुग का वर्णन। रविवारे च संडे च फाल्गुनी च फरवरी, षष्टिश्च सिस्कटी गया तदुदाहार वृद्धिष्म, अर्थात भविष्य में अर्थात आंग्ल युग में जब देववाणी संस्कृत भाषा लोपित हो जाएगी, तब रविवार को संडे, फाल्गुन महीने को फरवरी और षष्टी को सिक्स कहा जाएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के दिलों में छल होगा और अपनों के लिए भी लोगों के दिलों में जहर भरा होगा। अपनों का भी बुरा करने से कलयुग के लोग घबराया नहीं करेंगे। दूसरों का भी हक खाने की आदत लोगों को हो जाएगी और चारों तरफ लूट ही लूट होगी। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार होगा और वह खुद को इसलिए दूसरों से ऊपर समझने का काम करेगा। अहंकार की वजह से कलयुग में टकराव बढ़ जाएगा और यही वजह इंसान के अंत की भी वजह रहेगी। भविष्य पुराण में साफ बताया गया है कि कलयुग में पैसा ही सबका बाप होगा। पैसे की चाहत इतनी मनुष्य को हो जाएगी कि वह पैसे के लिए किसी की जान तक ले लिया करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। मलेच्छ का अर्थ होता है दुष्ट, नीच और अनार्य। जब हिंदू तथा मुसलमानों में परस्पर विरोध होगा और औरंगजेब का राज्य होगा, तब विक्रम संवत 1738 का समय होगा। म्लेच्छों का नाश करने वाले बुद्ध ही होंगे और श्री विद्याभिनंद नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। वह परब्रह्म पुरुष निष्कलंक दिव्य घोड़े पर श्री इंद्रावती जी की आत्मा पर बैठकर निज बुद्धि की ज्ञान रूपी तलवार से इश्क बंदगी रूपी कवच और सत्य रूपी ढाल से युक्त होकर अज्ञान रूपी म्लेच्छों के अहंकार को मारकर सबको जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर अखंड करेंगे। 3. भविष्य पुराण और इस्लाम। भविष्य पुराण में मुहम्मद के बारे में कहा गया है। इसी पुराण का निम्न श्लोक हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। इस ग्रंथ के श्लोक को हम यहाँ यथावत उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम यह दावा नहीं करते कि संस्कृत के इस श्लोक की व्याख्या वही है जो कि श्लोक में है। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 और मंत्र 5 से 8 तक इस बारे में उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण द्वितीय खंड प्रतिसर्ग अध्याय 3 अनुवादक पंडित बाबूराव उपाध्याय और प्रकाशक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित पुस्तक के पृष्ठ नंबर 258 पर इसका जिक्र है। लिंडगच्छेदी शिखाहीन श्मश्रुधारी सदूषक उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम। 25. विना कौलन च पश्वस्तेषा भक्ष्या मतामम। मुस्लिनैव संस्कार कुशैरिव भविष्यति। 26. तस्मान् मुसलवन्तो हि जात्यो धर्मदूषका।
इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मयाकृत। 27 भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25 26 27। व्याख्या: रेगिस्तान की धरती पर एक महामत जन्म लेगा, वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा चोटी नहीं होगी, वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने को मुसलमान कहेंगे और ये धर्म कालांतर में स्वतः समाप्त हो जाएगा। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे।